नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जलवायु। वीडियो अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जलवायु, सामान्यतः जलवायु का अर्थ होता है, अगर सामान्यतः कहें हम कि जलवायु क्या होता है, तो मौसम का बदलना अथवा ऋतुओं का बदलना ही जलवायु है। हमारा राज्य छत्तीसगढ़ जो है भारत के मध्य में स्थित है, एक भूआविष्ठित राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग अर्थात ये वाला उत्तरी भाग है, तो उत्तरी भाग से कर्क रेखा होकर गुजरती है। यहां से देखिए कर्क रेखा, कोरिया जिले, फिर सूरजपुर, फिर बलरामपुर, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग के तीन जिले कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर को स्पर्श करती हुई कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए, अब छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है अथवा हमारे छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय जलवायु, हमारे छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से कर्क रेखा होकर गुजरती है। देखिए, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य से एक रेखा होकर गुजरती है, मैंने बताया था क्या है ये, भूमध्य रेखा, जो कि है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री 1/2, ये क्या है कर्क रेखा, और दक्षिण में 23.5, ये भी दक्षिण में, ये कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। अब देखिए यहां 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा, ये है 66.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो इनको जो है जलवायु, अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो हम देखते हैं, यह है भूमध्य रेखा बीच वाला, तो भूमध्य रेखा जो कि पृथ्वी को बराबर दो बराबर भागों में बांटता है, तो इसके उत्तर में यहां से लेकर भूमध्य रेखा से लेकर उत्तर में कर्क रेखा तक अर्थात 23.5 उत्तरी अक्षांश तक, और नीचे में 23.5 23.5 दक्षिणी अक्षांश अर्थात मकर रेखा तक, ये होता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। अर्थात यहां पर किस प्रकार का मौसम पाया जाएगा, किस प्रकार का जलवायु पाया जाएगा, उष्ण कटिबंधीय प्रकार का जलवायु पाया जाएगा दोनों तरफ, दक्षिण में भी और उत्तर में भी 23.5 अक्षांश तक। अब देखिए, अब यहां से लेकर ये 23.5 अक्षांश से लेकर 66.5 अक्षांश तक दोनों तरफ, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ, यहां यहां से लेकर यहां तक, ऊपर में यहां से लेकर यहां तक, ये क्या होगा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, यहां से 23.5 से लेकर 66.5 तक, ये दोनों तरफ, ये क्या होगा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब देखिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु का मतलब क्या होता है, उष्ण का अर्थ होता है गर्म, तो इस क्षेत्र में क्या गर्मी अधिक रहेगी, हमारे क्षेत्र में भी गर्मी थोड़ी अधिक रहती है, शीत ऋतु की अपेक्षा, ठंड के अपेक्षा हमारे यहाँ गर्मी अधिक लगती है। तो उसके बाद है शीतोष्ण, तो शीतोष्ण में जो है ठंड भी लगेगी और गर्मी भी लगेगी, तो ये क्या है शीतोष्ण। उसके बाद यहां से लेकर 66.5 से लेकर इधर आखिरी 90 डिग्री अक्षांश तक, और इधर भी वैसे ही 66.5 से लेकर यहां अंत तक 90 डिग्री अक्षांश तक, तो ये क्या है शीत कटिबंध। तो इस आधार पे हमारा जो छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे हमारा छत्तीसगढ़ उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब देखिए, हमारा जो छत्तीसगढ़ है एक भूआविष्ठित राज्य है, अर्थात कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है किसी भी मतलब जल जो मतलब किसी समुद्र को स्पर्श नहीं करता है। हमारे छत्तीसगढ़ के चारों ओर भारत के अन्य राज्य हैं अर्थात स्थल है, इस कारण से हमारा राज्य क्या हुआ, एक भूआविष्ठित राज्य हुआ। अब हमारा छत्तीसगढ़ भू आवेष्टित राज्य है, तो इस कारण से हमारे छत्तीसगढ़ में जो है उष्ण कटिबंधीय पार्द्र
महाद्वीपीय ये भी पाया जाता है हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु और उष्णकटिबंधीय उपार्द्र महाद्वीपीय जलवायु। ये किस लिए? क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ जो है एक भूआविष्ठित राज्य है। और ये किस लिए? क्योंकि हमारा जो प्रदेश है कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। अगर कहा जाए दक्षिण में ही स्थित है क्योंकि उत्तरी भाग से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगर ये कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के अगर ऊपर से भी गुजरती तो भी हमारा जो छत्तीसगढ़ है इसी उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता। अगर ये कर्क रेखा हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिण से होकर गुजरती तो हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो अधिकांश जो भाग है वो कहां चला जाता? शीतोष्ण कटिबंध जलवायु में। तो याद रखेंगे हमारा छत्तीसगढ़ उष्ण कटिबंधीय जलवायु और इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय उपार्द्र महाद्वीपीय जलवायु के अंतर्गत आता है, अर्थात इस प्रकार का जलवायु पाया जाता है। इसके अलावा हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसमें मानसूनी जलवायु के अंतर्गत भी आता है। मानसूनी जलवायु अथवा ये कह सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ का जलवायु जो है मानसून आधारित है। याद रखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ का जलवायु मानसून आधारित है। अब देखते हैं हम छत्तीसगढ़ में वर्षा, क्योंकि वर्षा से ये अधिकांश प्रश्न बनते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में वर्षा जो होता है वो होता है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से। मैं भारत का नक्शा बनाकर आप लोगों को समझाता हूं तब थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये हमारे भारत का दक्षिणी भाग, चलो मैं ऊपर का नहीं बना रहा हूं, ये कुछ हमारा भारत। तो ये जो नीचे वाला जो भाग है ये प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत। तो अब देखिए इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। तो बरसात हमारे यहां वर्षा कैसे होती है? तो हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में, मतलब हिंद महासागर जहां है तो वहां हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में जो मानसूनी हवाएं, दक्षिण पश्चिम से मानसूनी हवाएं भारत की ओर आकर्षित होती है। कुछ इस तरह से हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम से उठकर जो मानसूनी हवाएं भारत की ओर प्रवेश करती है ऐसे। इसके बाद जब ये भारत प्रायद्वीपीय भारत से टकराती है, प्रायद्वीप है ये, तो प्रायद्वीपीय भारत से जब ये टकराती है तो ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है। आ कहां से रही है? हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम से। तो दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक जो है इधर सीधे चले जाती है ऐसे, कहां आ गई है? बंगाल की खाड़ी में। और जो दूसरी है वो चल देती है अरब सागर, ये ऐसे। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था जो भारत का भूगोल पढ़ाया था उसके अंतर्गत मैंने बताया था यहां जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, तो उसी कारण से क्या है उसी का थोड़ा सा मतलब प्रभाव पड़ता होगा जिस कारण से ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है थोड़ा सा मतलब ऊंचाई के कारण। तो अब दो शाखाओं में बढ़ गई, ये बंगाल की खाड़ी शाखा और ये अरब सागर शाखा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में इन दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा होता है। याद रखिएगा सर्वाधिक जो वर्षा हमें प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ को वो बंगाल की खाड़ी शाखा से होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमें अरब सागर की शाखा से वर्षा प्राप्त नहीं होता, यहां से भी हमें प्राप्त होता है। देखिए जो ये जो है केरल है ना यहाँ, तो केरल में जो है ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जो हवाएं हैं वो 1 जून तक पहुंच जाती है, 1 जून तक मानसून पहुंच जाता है केरल में और उसके 15 दिन के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में। तो देखिए सबसे पहले इधर से ये गया बंगाल की खाड़ी में, तो कुछ जो है सीधा चले जाता होगा म्यांमार की ओर और जो बाकी जो है इधर प्रवेश करता है ये ऐसे। तो ये जो मानसून है हमारे छत्तीसगढ़ में तकरीबन 15-16 जून तक पहुंच जाता है, अर्थात कि हमारे छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश कब तक हो जाता है? 15 जून के आसपास हो जाता है, या ये कहा जाए कि जून महीने में हमारे यहाँ मानसून का प्रवेश हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो बंगाल की खाड़ी शाखा से हमारे छत्तीसगढ़ को जो वर्षा ऋतु में जो जितना भी वर्षा होता है वो 90% वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है, 90%। मतलब वर्षा ऋतु हमारे यहाँ जो जून से अक्टूबर तक होता है तो उसमें जितना भी वर्षा होता है उसका 90% वर्षा कहां से मिलता है हमें? बंगाल की खाड़ी शाखा से। लेकिन आ कहां से रहा है? हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम से।
याद रखेंगे। उसके बाद ये जो अरब सागर वाला शाखा है, तो यहां से फिर जो मानसून है ऐसे फिर घूम करके ये भी आता है छत्तीसगढ़ में, मतलब पूरे देश में फैलता है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ में हमें अरब सागर शाखा से जो है 10% वर्षा प्राप्त होता है वर्षा ऋतु में, याद रखेंगे। सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जो कि 90% होता है, और अरब सागर शाखा से 10% वर्षा हमें प्राप्त होता है, याद रखिएगा। कहां से आ रहा है ये? दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर से। इसको मैं साफ कर देता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ में जितना भी वर्षा होता है, मतलब साल भर में, वर्ष भर में जितना वर्षा होता है उसका 90% जो है वर्षा ऋतु में होता है। ये जो मैंने 90% बताया ये केवल और केवल वर्षा ऋतु का है। वर्षा ऋतु में जो है जितना 100% वर्षा ऋतु में बारिश होती है उसका 90% बंगाल की खाड़ी शाखा से और 10% अरब सागर से। अब जो ये जो मैं बता रहा हूं ये वर्ष भर में, पूरे जो साल भर में जितना भी हमें वर्षा हो, मतलब जितना भी वर्षा होता है उसका 90% वर्षा ऋतु में होता है, बाकी का जो 10% है वो शेष अन्य ऋतुओं में, जैसे शीतकालीन वर्षा होता है हमारे यहाँ, ग्रीष्म काल में भी थोड़ा बहुत वर्षा होता है, तो वो जो है 10% होता है। अच्छा, अब याद रखिएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो वर्ष भर में औसतन 1300 से 1325 मिलीमीटर वर्षा होता है, ये औसतन है, मतलब कि औसतन वार्षिक वर्षा कितना है 1300 से 1325 मिलीमीटर, याद रखिएगा। अब देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, सबसे कम कहाँ होता है, ये देख लेते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होता है ये नारायणपुर है, तो नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र में। अगर खाली स्थान पूछता है तो क्या बताना है आपको? नारायणपुर का अबुझमाड़ क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा होता है। इसको जो है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है, चेरापूंजी जो भारत में सर्वाधिक वर्षा के लिए जाना जाता है। वहीं अगर पूछा जाता है कि सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होता है, तो वो है जसपुर जिले में। यहाँ है जसपुर जिला, तो यहाँ क्या है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, और सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र अबुझमाड़। वही सबसे कम वर्षा वो होती है यहाँ कबीरधाम जिले के मैकल पर्वत श्रेणी में। यहाँ कही है मैकल पर्वत श्रेणी, तो मैकल पर्वत श्रेणी में जो है सबसे कम वर्षा होती है, जिसको कहा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र, याद रखेंगे। मैकल पर्वत श्रेणी अथवा मैकल रेंज, वृष्टि छाया क्षेत्र, सबसे कम वर्षा होता है यहाँ। सर्वाधिक वर्षा अबुझमाड़ में, अगर क्षेत्र के हिसाब से और जिले के हिसाब से जसपुर जिला। तो ये था छत्तीसगढ़ में वर्षा। तो अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में गर्मी, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, तो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो सबसे गर्म स्थल है तो वो होता है चांपा, चांपा जो कि जांजगीर चांपा जिले में है, जो कि सर्वाधिक गर्म स्थल है छत्तीसगढ़ का, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ जो है सर्वाधिक तापमान यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। वही छत्तीसगढ़ में सबसे न्यूनतम तापमान अंबिकापुर सॉरी सरगुजा जिले के मैनपाट, मैनपाट क्षेत्र में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है, याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज और, छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा जो कि अक्टूबर नवंबर महीने में होती है, जो शीतकालीन वर्षा जैसे कि तमिलनाडु क्षेत्र में होती है शीतकालीन वर्षा दिसंबर नवंबर दिसंबर में, तो ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी शीतकालीन वर्षा होती है। कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। तो ये जो शीतकालीन वर्षा है याद रखेंगे ये होती है पश्चिमी गर्तों से, पश्चिमी गर्तों से अथवा विक्षोभ। पश्चिमी गर्तों से अथवा पश्चिमी विक्षोभ से जो है छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा होती है। कब होती है? अक्टूबर नवंबर में होती है, याद रखेंगे। और जो छत्तीसगढ़ में जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है वो भी मतलब कई स्थानों पर होती है, जो मतलब हवाएं चलती है उसके साथ साथ वर्षा भी होता है, तो याद रखेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।